श्री गुरु नानक देव जी दुनिया का कल्याण करन लई यात्रा करदे करदे अपने एक सेवक दे घर पहुँचे। उस सेवक का नाम गुरबचन सिंह सी। जदों सेवक ने गुरां जी नूं अपने घर वल आउंदे होए देखिया तां उह खुशी नाल झल्ला हो गया। सेवक गुरु जी का स्वागत बड़ी ही धूमधाम नाल करना चाहुंदा सी, पर उह चाह के भी नहीं कर सकता सी, क्योंकि सेवक गुरबचन सिंह बहुत गरीब सी। उस कोल सिर्फ एक मिट्टी दे घर तों इलावा होर कुछ भी नहीं सी। सेवक गुरबचन सिंह ने गुरु जी अते भाई मरदाने दा बड़ी ही खुशी नाल आदर सत्कार कीता अते घर विच सिर्फ एक साधारण जिहा मंजा सी जिस उपर गुरु जी अते भाई मरदाने नूं बिठा दिता। गुरु जी ने सेवक सिंह नूं कहा कि भाई अज दी रात असीं तेरे कोल ही रुकांगे अते कल सवेरे तड़के अगे निकल जावांगे। गुरु जी दे मूहों ये शब्द सुन के सेवक बहुत खुश होया अते निमाणा जिहा हो के गुरु जी दे चरणा उपर डिग पिया। उस सेवक दे घर खाण लई कुछ ज़्यादा नहीं सी, पर जो भी हैगा सी वह उसने बड़े ही आदर सत्कार दे नाल गुरां जी दे सामने भेट कर दिता। भाई मरदाने नूं उस सेवक की गरीबी वेख के बहुत तरस आया कि इस बंदे कोल जो भी थोड़ा बहुत हैगा सी वह इसने साडे सामने रख दिता है। प्रशादा छकण तो बाद गुरु जी ने भाई मरदाने नूं कहा कि मरदानिया आ जिहड़े मिट्टी दे भांड्यां विच असी प्रशादा खादा है इन्हां भांड्यां नूं तोड़ दे। पहलां तां भाई मरदाने नूं कुछ समझ नहीं आया, तां फिर उसने सोचिया कि जेकर गुरु जी ने मैनूं कहा है तां फिर कुछ सोच के ही कहा होवेगा। अते गुरु जी दा भाणा मन के भाई मरदाने ने वह मिट्टी दे भांडे तोड़ने शुरू कर दिते। भांड्यां नूं तोड़न तो बाद भाई मरदाने ने जदों सेवक वल देखिया तां सेवक ने कहा कि मेरा जो कुछ भी है वह मेरे सतगुरु जी का ही है। सतगुरु जो भी तुहानू हुक्म कर रहे हैं तुसी ओही करो। जिस तो बाद गुरु जी के कहण उत्ते भाई मरदाने ने उस सेवक दे घर दियां बाकी चीज़ां भी तोड़नियां शुरू कर दित्तियां। जदों अगली सवेर हुई तो गुरु नानक देव जी ने उस सेवक नू अपने कोल बुलाया ते कहण लगे कि भाई हुण सानू अपनी यात्रा नू जारी रखदे होए इत्थों जाना पवेगा। तां सेवक ने कहा कि गुरु जी तुसी मेरे गरीब घर विच अपने पवित्र चरण पाए हन तां मैं निहाल हो गया हाँ, पर मैं आप जी दे सामने एक बेनती होर करनी चाहुंदा हाँ कि मैं कुछ दूरी तक तुहाडे नाल तुहाडी यात्रा विच सहाई होना चाहुंदा हाँ तां जो मैं कुछ समा होर तुहाडे नाल बतीत कर सकां। गुरु जी ने उस सेवक नूं कुछ समा उन्हां दे नाल चलण लई आग्या दे दित्ती, पर घरों निकलण तों पहलां गुरु जी ने भाई मरदाने नूं कह दिता कि इस सेवक दा आ जिहड़ा मिट्टी दा घर है इहनूं वी पूरी तरह तोड़ दिता जावे। भाई मरदाना जी नूं फिर कुछ समझ नहीं आया, पर इस वारी उन्होंने गुरु जी तों पुछ लिया कि गुरु जी इस गरीब कोल तां सिर्फ एक मिट्टी दा ही घर है, जेकर असी इस घर नूं वी तोड़ दिता तां इह विचारा रहेगा कित्थे। सेवक ने फिर तो भाई मरदाना जी नूं कहा कि भाई मरदाना जी सतगुरु जो भी तुहानूं कह रहे हन तुसी ओही करो, क्योंकि मेरे कोल जो भी है यह सब सतगुरु का ही दिता होया है, मेरा इत्थे कुछ भी नहीं है। यह सुन के भाई मरदाना जी ने घर तोड़ना शुरू कर दिता। घर नूं तोड़न तो बाद गुरु जी भाई मरदाना अते ओ सेवक यात्रा वल नूं चल पए। जदों दिन ढल लगा तां गुरु जी ने उस सेवक नूं आग्या दित्ती कि भाई तू हुण अपने घर वापिस चला जा, क्योंकि उत्थे थोड़ा काम हाले बाकी है, जा के उसनू पूरा कर। उस सेवक ने गुरु जी दे चरणा नू हाथ लगाया अते खुशी खुशी नाल अपने घर वाल नू वापिस आ गया। जदों सेवक अपने घर दे कोल पहुंचया तो उसने देखिया कि एक 2 फुट दी कंध सी जिहड़ी कि हाले भी खड़ी सी। तां उसने सोचिया कि शायद भाई मरदाना जी इसनू ढाउणा भुल गए होणगे, इसे लई गुरु जी ने मैनू घर जा के बाकी काम पूरा करन लई कहा होवेगा। सेवक ने अपने मूँह विच धन धन गुरु नानक कह के उस बची हुई कंध नूं भी तोड़ना शुरू कर दिता। जदों उसने कंध नूं ढाउणा शुरू किया तो उसने देखा कि कंध दी जिहड़ी थल्ले वाली जमीन है वह बहुत कमजोर है, तो जदों उसने उस जगह नूं साफ करके देखा तो उसके थल्ले एक सोने की खान सी, जिस नूं देख के वह सेवक बहुत खुश होया अते हैरान भी होया कि किन्नियां सालां तो वह एक सोने की खान के उपर रह रहा सी। गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद के नाल उस सेवक की जिंदगी बदल गई। गुरु प्यारियो,
गुरु नानक देव जी की इस साखी तो सानू यह सिक्ख्या मिलती है कि परमात्मा जदों भी साढ़े नाल कुछ बुरा करता है तो वह साढ़े चंगे लिए ही करता है।